अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो लिमिटेशन में देखें क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारी। हमने इनको डिफरेंट बोल्ड इटैलिक कलर्स में भी रख रखा है। तो पहला हमारा लिमिटेशन क्या है, इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही सारे फैक्टर का बना होता है, एक नहीं कई सारे फैक्टर हैं। आपने पढ़ा होगा, आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ये दोनों एक्सटर्नल होते हैं, फिर एक इंटरनल इन्वायरमेंट और होता है। तो इन सब में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको मालूम है। इंटरनल में भी कई सारे फैक्टर होते हैं, माइक्रो में भी 6-1 फैक्टर होते हैं, मैक्रो में 8 फैक्टर होते हैं, पोलिटिकल है, लीगल है, पेस्टल एनालिसिस अपन पढ़ते हैं। तो क्या कोई एक चीज से बना है क्या एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, और इसलिए इसको टोटालिटी में समझना कॉम्प्लेक्स हो जाया करता है। और ये बदलता है, ये एक जैसा नहीं रहता हमेशा, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं ये टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तूफान होता है, जैसे गड़गड़ाहट होती रहती है बादलों में, है ना, वैसा टर्बुलेंट आता है। जैसे कई बार होता है ना, अपन हवाई यात्रा कर रहे होते हैं और हम तूफान में फंस जाते हैं तो विमान हिचकोले खाने लग जाता है, तो क्या अनाउंसमेंट होती है, वी आर इन द मिडल ऑफ टर्बुलेंस, है ना। वैसे ही परिस्थिति के अनुसार एनवायरमेंट में भी टर्बुलेंस या बदलाव आते रहते हैं, और ये बदलाव आपके बिजनेस के काम करने के तौर तरीकों को भी बदल के रख देते हैं। अगर बाय द वे जिस तरीके से चाइना से ये बीमारी निकल के दुनिया पहुंच रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बात सच हो जाए, पर मुझे लगता है ये सच होके रहेगी कि हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत में ये कोरोना गाइडलाइंस, ये सार्वजनिक स्थलों पर जाना, ये सब बहुत जल्दी बैन होने वाला है, शायद 26 जनवरी से पहले पहले। तो टर्बुलेंट है एनवायरमेंट, कॉम्प्लेक्स भी है और टर्बुलेंट भी है, और इसको समझना मुश्किल है क्योंकि ये कब कैसा शेप ले लेगा किसी को नहीं पता है, भविष्य में क्या ले लेगा, क्या स्थिति बना लेगा, हमें नहीं पता। नंबर टू लिमिटेशन, तो पहला आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को डील विद द सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड अदर फैक्टर्स। मतलब हम रिलाय करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी पे कि अगर कुछ गलत चला जाएगा तो हमें इससे निकलने का रास्ता बताया जाएगा। जैसे आपको पता होगा, टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आ गए हैं आज की तारीख में, है ना, बत्रा सर ने भी दो ले रखे हैं अपने घर पे, तो उनके मदद से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश कर रही है, आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल पे अपनी जरूरत जो है सरकार घटाना चाहती है। और जो मुझे लग रहा है, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने तो कह भी दिया है, ऑल्टरनेट फ्यूल पे हम काम कर रहे हैं, हम इथेनॉल पे काम कर रहे हैं, हम हाइड्रो कार्बन पे काम कर रहे हैं, हम सोलर सेल पे काम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज पे काम कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलो आने वाले टाइम में, चाहे कार हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे ट्रक्स हो, ये सारे के सारे ईवीज के फॉर्म में आने जा रहे हैं। और अभी मैं कल परसों देख रहा था, एलन मस्क ने पहले साइबर ट्रक्स जो है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से युक्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कुछ कंपनियों को सौंपे हैं जो बुलेट प्रूफ है। मतलब आप उनको नक्सलाइट एरिया में ले जाओ, बम से को उड़ा देवे तो अंदर वाले आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोलियां चला दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सब चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तौर पे एलन मस्क बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी जो होती है वो टर्बुलेंट एनवायरमेंट में जो है वो आपको आगे का रास्ता निकालने में मदद करती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये तो था पहला प्रॉब्लम कि कॉम्प्लेक्स होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब स्ट्रैटेजी को बनाना, निर्माण करना, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना, है ना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एंड कम्युनिकेट द स्ट्रैटेजी टू पीपल। रूटीन में उससे काम लेने में बहुत सारा समय हमें निकालना पड़ता है, तो ये एक दूसरी प्रोसेस होगी। और चूंकि स्ट्रैटेजिक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो तीसरी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, जिसमें समय लगेगा, जिसमें रिसोर्सेज लगेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी, नेचुरली उसको डील करने के लिए मैनेजमेंट के जो लोग होंगे उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो अपने आप में कंपनी के लिए ये एक कॉस्टली प्रोसेस बनने जा रहा है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी इंगेज। तो आपके पास अच्छे प्लानर्स होने चाहिए और आपका गुड अमाउंट ऑफ फंड विल बी स्पेंट ऑन इट। बहुत अच्छा खासा पैसा आपका इस पे लगने जा रहा है, क्योंकि इसके कारण ही आप स्ट्रेटजी का निर्माण कर पाओगे चीजें। तो तीन तरीके की दिक्कतें अपन ने देखी,
लिमिटेशन में पहला, इन्वायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होता है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, नोबडी कैन डू इट। मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जो बाइडन, वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके कहने पे भी कई चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है। नंबर टू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय और पैसा लगता है इसके अंदर, चीजों को समझना पड़ता है, टेक्स टाइम। और तीसरी बात, चूंकि समय लगता है तो पैसा भी लगेगा, और इसको करने वाले लोग हाई क्वालिफिकेशन के होते हैं और उनकी सैलरी भी हमें देनी पड़ती है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो तीन तरीके की लिमिटेशन देखी, पहला एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तीसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है। बस तीन तरीके की लिमिटेशन है जो आप ध्यान रखेंगे, आगे अपन देखते हैं। तो तीन लिमिटेशन हो गए। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव सिनारियो में, क्या ये क्लियरली हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स क्या होगा, हम जो काम करेंगे या जो हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे एप्पल ने मार्केट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया, उन्होंने क्या किया, चूजिंग टू रिमूव 3.55 ऑडियो जैक फ्रॉम आईफोन, उन्होंने ये हटा दिया। तो ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स को क्या करना पड़ा, कंसंट्रेटेड एफर्ट बनाने पड़े कि वो अपना एक ट्रू वायरलेस स्पीकर बनाए जो कि मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो एप्पल ने जैसे ही अपने यहां से 3.5 mm ऑडियो जैक को रिमूव किया, वैसे ही लोगों की दिक्कत हो गई कि अब वो सर्वाइव कैसे करें जो ऑडियो बिजनेस में थे। तो इमीडिएटली उनको क्या करना पड़ा, मेजर स्पीकर ब्रांड्स को, उनको इमीडिएटली एफर्ट लगाते हुए वायरलेस स्पीकर्स बनाने पड़े, क्योंकि अब एप्पल में जैक तो था ही नहीं, ऑडियो जैक था ही, वायरलेस तरीके से काम करना पड़ा उनको। तो एप्पल ने अपने यहां से ऑडियो फैसिलिटी के लिए जैक हटाया और सारे मेजर ब्रांड्स जो थे स्पीकर्स के, उनको वायरलेस बनाने पड़ गए। तो एप्पल की एक स्ट्रेटेजी चेंज करने से पूरी की पूरी हमारी ऑडियो इंडस्ट्री पे, हमारी वायरलेस स्पीकर इंडस्ट्री पे इसका फर्क पड़ा। बात आ रही है सबको समझ में? अगर समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस सर यस सर यस सर लिख दें, ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक जा रही है। हम लिमिटेशन पार्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आफ्टर देयर इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स।